मंगा दे यहाँ आ जाएगा, अभी मंगा दे सही में, अभी फोन करेंगे। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे, अभी फोन करेंगे लेके आ जाएगा। बट वही है कि फिर वो पकड़ा जाएगा। तो पहले जो था ना, तो पहले कस्टमर को उठ के जाना पड़ता था, ठीक है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता था, और अभी कुआं खुद चल के आ जाता है। नीतीश कुमार के थ्रू ये कॉपी पे लिखित है कि शराबबंदी है। आप हर घर में जहाँ से भी कॉल कीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाके बिहार में कॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा। पूरे बिहार में, पूरा बिहार में आप एक बार कॉल कीजिए, होम डिलीवरी होता है। हाँ। आप अगर सीट बेल्ट गाड़ी का नहीं पहने हैं तो सुनते हैं 5,000-2,000 क्या फाइन है। अच्छा। जो भी है। हाँ। आप रोड सही करके दे रहे हैं। अच्छा। आप फाइन ले रहे, तो रोड सही करके दे रहे हैं हमको। इतना पुल बना रहे हैं, सड़क बढ़िया है, और आप बोल रहे हैं रोड सही करने। चलिए हमारे तरफ, हम दिखा, हम अपने तरफ का बात कर रहे हैं। हम मुजफ्फरपुर के हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर में नहीं है बढ़िया, एक एनएच बन गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। चलिए मोती झील में, चलिए रोड सही है, अभी भी बरसात लगता है तो इतना पानी, आधा घंटा बारिश में इतना पानी। मुख्यमंत्री जी कहते जब हमारी सरकार आएगी तो 19 लाख रोजगार देंगे। हाँ, तो दिए ना, उसमें से एक हम भी, हमको ही मिला है, मिल गया। जो भी बेरोजगार गांधी मैदान में घूम रहे हैं, ये एक जॉब है, ये एक जॉब है। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, आप इलाज कराइए, तो आप जब वहाँ पे जाइएगा तो आप अगर 2 दवाई अंदर से मिलेगा तो 3 दवाई बाहर से बोलेगा लेने के लिए। अच्छा, सरकारी अस्पताल का ये हाल, सरकारी अस्पताल की ये हाल है। अच्छा, अभी हम लोग गांधी मैदान में हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे बिहार में विकास के ऊपर, शराबबंदी के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जसीम हुआ। अच्छा जसीम भाई, विकास बिहार में कितना आपको लगता है कि विकास हुआ है? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है जी, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल। आप बात करिए शराबबंदी पे जी, ठीक है ना, हर आप एक बार कॉल कीजिए, होम डिलीवरी होता है। हाँ, हाँ, अभी मंगाएंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, दम होम डिलीवरी। अच्छा, होम डिलीवरी शराबबंदी होता है, होम डिलीवरी। हाँ, कहीं भी आप बिहार में जाइए, ये सिर्फ कॉपी पे लिखित है ये। अच्छा, नीतीश कुमार के थ्रू ये कॉपी पे लिखित है। हाँ। कि शराबबंदी है। आप हर घर में जहाँ से भी कॉल कीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाके बिहार में कॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा। पूरे बिहार में, पूरा बिहार में, किसी भी हिस्से में, किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में। हाँ, खुलेआम मिल रहा है। नीतीश कुमार तो दावे के साथ करते हैं, वही तो हम बोल रहे हैं ना, वही तो हम बिहार में शराबबंदी, तो हम भी तो वही बोल रहे हैं। हाँ। सिर्फ कॉपी मेंटेन है बस, और कुछ नहीं है। आप भी एकदम दावे के साथ कर रहे हैं, दावे के साथ, शराब खुलेआम बिकता, खुलेआम बिक रहा, होम डिलीवरी हो रहा, खुलेआम की बात, होम डिलीवरी हो रहा। अब तो इजी से मिल जाता, पहले तो लाइन लगा के मिलना पड़ता, अब तो फोन कीजिए घर पे आ जाएगा आपको। अच्छा जी। अच्छा, विकास के ऊपर हम आपसे पूछ रहे थे, बिहार में कितना कितना लगता है विकास हुआ है? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार, देखिए जहाँ तक है मानना कि विकास पे, तो अभी जैसे शिक्षा पे अगर लिया जाए जी, तो शिक्षा का स्तर थोड़ा गिरा है। कैसे? है ना, जैसे अभी मान के चलिए, देखिए जिस हिसाब से पहले लोग जैसे स्कूल में, ठीक है ना, मतलब हम मुसलमान हैं जी, तो मुसलमान में बहुत कम शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है। क्यों? है ना, आपकी कमी है? नहीं, हमारी क्या कमी है, हमारे पे कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। अच्छा। है ना, सिर्फ हमारा, हमारे नाम से सिर्फ वोट लिया जाता है। अच्छा। बाकी हमारे कोई भी विकास नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। जीरो, कुछ नहीं। अच्छा। सिर्फ कॉपी डायरी मेंटेन होता है बस, खाली आया भाषण दिया चला गया, मुसलमान पे कोई देखने वाला नहीं। क्या आपकी मांग क्या है, मुसलमानों की क्या मांग है? मुसलमानों की यही मांग है कि उस पर कम शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, यही मेरा मांग है। सबसे पहले प्रथम है कि शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। हाँ। अगर वो, अगर मुसलमान शिक्षा, अगर शिक्षा पाता तो वो अपने हिसाब से हर वर्ग में जाके काम कर सकता है। अच्छा। है ना, लेकिन अगर शिक्षा ही नहीं है तो फिर वही रिक्शा, मजदूर, पंचर, वही करेगा। हाँ। बस मेरा यही है। स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग, देखिए स्वास्थ्य के ऊपर देखा जाए तो जैसे अभी हम पटना में हैं, तो पटना में मान के चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए तो मतलब देख लीजिए कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर आप मान के चलिए, अगर जा रहे क्षेत्र से आप, हम आते हैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अच्छा, ठीक है ना, हम यहाँ घूमने के लिए आए अभी। अच्छा। पटना आप देख ही रहे हैं। अच्छा, तो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहे हैं। आप वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, जब ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा आप इलाज कराइए, तो आप जब वहाँ पे जाइएगा तो आप अगर 2 दवाई अंदर से मिलेगा तो 3 दवाई बाहर से बोलेगा लेने के लिए। अच्छा, सरकारी अस्पताल का यह हाल, सरकारी अस्पताल की यह हाल है। अच्छा, तो आप लोग शिकायत नहीं किए? क्या, कौन सुनने वाला है? नीतीश कुमार तो सुनते हैं, नहीं सुनने वाला, कुछ नहीं सुनते, कौन सुनने वाला, ये पहले आप बताइए। सरकार तो सुनती नहीं, सुनता भाई कौन सुनता, आप हमको बताइए ना, आप पत्रकार महोदय, आप बताइए कौन सुनता,
आप तो ग्रैंड रिपोर्ट करते हैं, आप बताइए कौन सुनता है आपका बात, कौन किसका बात सुनता, नहीं कोई सुनता है। क्या बोल रहे हैं बोलिए। हम क्या जो भैया बोले वहीं से सत्य। भैया तो बोले कि बिहार में खुलेआम शराब बिक रहा है, सही बात है ये बात तो सही है। सही बात है, सही बात है। ऐसे जो भैया बताए हैं तो अभी बता ही दिए हैं किस तरह है, किस तरह है देश का गरीबी देख लीजिए, अभी आपके सामने पेश किया है किस तरह हो रहा है। किसी का क्या करते हैं, हम तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा, बिहार में कौन नेता आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए नेता सब बढ़िया ही होता है, लेकिन जो अच्छा किसको आप अपना नेता मानते हैं, जो अगर वो सरकार में आएगी तो आपकी मांगे पूरी, कौन है सब वो नेता? देखिए शुरुआती में देखलावा के लिए सब नेता वैसा ही होता है, जब अच्छा। बन जाने के बाद सब वैसा ही हो जाता है। हाँ जी, हाँ भैया जी सही बोल रहे हैं भैया। क्या कि शुरुआती में सब नेता वादा करता है, लेकिन जब सत्ता में आता है तो वादे से मुकर जाता है। सही बात है, इसमें गलत क्या है? हाँ। इसमें गलत तो हमको नहीं लगता है कि भाई जी कुछ बोले हैं। अच्छा हाँ? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मान लीजिए कि नीतीश कुमार एक ठीक है, एक सही है, मान के चलिए सपोज डेट कि नीतीश कुमार एक ठीक है, लेकिन उनके नीचे क्या फिर जीते हैं, उनको तो ले लीजिए। कौन है? अभी मान लीजिए कि हम अगर दो आदमी बाइक से जा रहे हैं, डबल हेलमेट का रूल है, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगला हेलमेट पहने हुआ है, पिछला नहीं पहने हुआ है, ट्रैफिक वाला उसको पकड़ता है, सही है उसको पकड़ो, ठीक है, पहले वो ये कोशिश करता है कि हमको पैसा दो। अच्छा, चालान नहीं काटो, पहले आपसे बात करेगा साइड में आकर कि भैया हाँ। वहाँ जाओगे तो ऐसे ऐसे ये वो पेपर दिखाना पड़ेगा, 1000 रुपया लगेगा बिना हेलमेट का, 500 रुपया दो निकलो। ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ये आमतौर पर होता है। डायरेक्ट में रहते हैं, चलिए हम प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। अच्छा एक और बात बताइए, सरकार कहती है, बिहार सरकार कहती है कि शराबबंदी। दूसरी बात ये है, पहले जिस टॉपिक पे बात करो उस पर कर ले। दूसरी बात यह है कि फाइन, ठीक है, आप अगर सीट बेल्ट गाड़ी का नहीं पहने हैं तो सुनते हैं 5000-2000 क्या फाइन है। अच्छा, जो भी है आप रोड सही करके दे रहे हैं। अच्छा, आप फाइन ले रहे हैं तो रोड सही करके दे रहे हैं हमको, इतना पुल बना रहे हैं, सड़क बढ़िया है और आप बोल रहे हैं रोड सही करने। चलिए हमारे तरफ हम अपने तरफ का बात कर रहे हैं, हम मुजफ्फरपुर के हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर में नहीं है बढ़िया, एक NH बन गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर में चलिए, मोती झील में चलिए, रोड सही है नहीं है? अच्छा, अभी भी बरसात लगता है तो इतना पानी, आधा घंटा बारिश में इतना पानी। अच्छा, तो आप फाइन ले रहे हैं चाहे कुछ भी ले रहे हैं, काम नहीं हो रहा है? काम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए जैसा बोला जा रहा है वैसा नहीं हुआ है। अच्छा, जैसा कि भैया ने पहले बताया कि शराबबंदी, आप शराबबंदी पे बात किए, शराबबंदी क्या है? पूर्ण शराबबंदी बोला गया, यहाँ बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो नहीं है क्या आपको लगता है कि है? आप बोलिए ना, आप मीडिया हैं, आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा, आप घूमते हैं। मान लीजिए हमारे पास नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास नहीं है, ठीक है, तो पहले जो था ना, तो पहले कस्टमर को उठ के जाना पड़ता था। अच्छा, ठीक है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता था, और अभी कुआं खुद चल के आ जाता है। हाँ। अभी कुआं खुद चल के आ जाता है बिहार में हर जगह में, बिल्कुल मंगा दे, यहाँ आ जाएगा, अभी मंगा दे, सही में अभी फोन करेंगे, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर, अभी फोन करेंगे लेके आ जाएगा, बट वही है कि फिर वो पकड़ा जाएगा तो फिर हमको कहेगा चारों गाली देगा, हम तो पीते नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि कौन देता है नहीं देता है। अच्छा, तो फिर तो रेटों का अंतर हुआ होगा। रेट का क्या अंतर होगा, जो 1000 रुपया मिलता था वो 1500 मिलता है ब्लैक में। हाँ, तो ब्लैक में अगर भैया को अगर लेना है बोतल, 1000 रुपया के जाके खरीदते थे और घरे बैठा बैठा सेफ है, कुर्सी पर बैठे हुए पकौड़ा बन के मिल रहा है घर से गरम गरम, पनीर पकौड़ा, चिकन पकौड़ा, और बोतल उधर से घर पहुँचा गया, तो 400 इनको एक्स्ट्रा देने में क्या दिक्कत है? यही हो रहा है, तो पहले जो प्रॉफिट ये दारू बेचने वाले को नहीं होता था उससे मतलब उसको उस पे स्क्वायर लगा दीजिए। अच्छा, अब इतना प्रॉफिट। हाँ, उतना उसको प्रॉफिट है। हाँ, इससे ज़्यादा हम क्या बोले? रोजगार के ऊपर कुछ बोलिए, रोजगार के ऊपर क्या बताइए? जैसे हम 2011-13 बैच के DMLT के लैब टेक्नीशियन है, ठीक है। अच्छा, डिप्लोमा किए थे। हाँ, उसके बाद से आज तक वैकेंसी नहीं निकला। हाँ, NM नर्सिंग और GNM का निकलता है, लैब टेक्नीशियन का निकला ही नहीं, और अगर 5-6 निकलता है तो सचिवालय से ऑलरेडी पैसा पे बुक। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते जब हमारी सरकार आएगी तो 19 लाख रोजगार देंगे। हाँ, तो दिए ना, उसमें से एक हमको ही मिला है, मिल गया। जो भी बेरोजगार गांधी मैदान में घूम रहे हैं, ये एक जॉब है। अभी गांधी मैदान में जो हम लोग बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के घूम रहे हैं, एक जॉब है, निराश है। हाँ, बहुत। देखा आपने कि बिहार गांधी मैदान में जो युवा थे, हमने इनसे बातचीत की और ये बिहार सरकार से नाराज़ हैं। शराबबंदी के ऊपर हमने बात की और इन्होंने कहा कि आप अभी बोलिएगा तो अभी मंगा देंगे। तो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिएगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।